हाय यू गाइस, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? मैं सोच रही हूँ आज मेकअप करके घर का कौन सा काम करूँ, अपने कपड़े ठीक करूँ, कबर्ड वाला कबर्ड ठीक करूँ, या लेट्स सी नाउ डस्टिंग. पोछा लग गया है, झाड़ू हो गया है, कपड़े धो देती हूँ ये मेकअप लगा के. अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ. हेलो, लेलू गाइस, कैसा चल रहा है आप सबका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग हो गया है. जैसे कि आपको पता है, मेरे पास ऑलरेडी घर में 3 बिल्ले और एक कुत्ता है. लेकिन कल जब मैं अपने कुत्ते गोडो को वॉक पे ले जा रही थी, मुझे यू विल नॉट इमेजिन क्या मिला. एक मिनट, लेट मी शो यू वॉट आई फाउंड. हाय, हेलो गाइस, दिस इज अ बेबी काइट. मुझे पता नहीं था पहले क्या है, मुझे लगा ये बाज चील किसी चीज का तो बच्चा लग रहा है, किसी बर्ड ऑफ प्रे का. उसकी कातिलाना चोंच और कातिलाना पंजे देखकर, पर वो बेचारा गिरा हुआ था. और फिर हमारे गार्ड ने कहा कि 3-4 दिन से पड़ा हुआ है और भूखा है, तो मैं इसको उठा के ले आई. और रात थी तो खैर मैंने उसे घर में रखा, कुछ खाना खिलाया. आज सुबह मैंने रेस्क्यू को फोन किया है. ओके 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 आज सुबह मैंने रेस्क्यू को फोन किया है एंड उन्होंने कहा आओ आओ, उसके पंजे बहुत तेज है. उन्होंने कहा ये एक बेबी ब्लैक काइट है जो काफी कॉमनली हमारे शहरों में मिलता है, हवा में उड़ता हुआ. शायद ये अपने घोंसले से गिर गया है या इसको इसके बाकी सिबलिंग ने गिरा दिया है. इसका एक पंजा जो है आओ, जो काफी नोकीला है और मुझे लग रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अभी आ रही है और इसको ले जाने वाली है. लेकिन मैंने उसका तब तक नाम रख दिया है चंगेज, ताकि वो अंधेरी के आसमान में राज करे आफ्टर द रूलर चंगेज खान. है ना चंगेज, कि वो भी कातिलाना था और ये भी कातिलाना है. सो गाइज, आइए मेरे साथ इसको फीड किया जाए. चंगेज, ओके हाय चंगेज. ये बहुत तेज है, ये बिल्कुल कैसे स्मेल करके खाना एकदम. ओके बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, अरे रुक जा रुक जा चाचा. ये भाई साहब, क्वाइट समथिंग. आई हैव नेवर रेस्क्यूड अ वाइल्ड एनिमल बिफोर. चंगे ये ले. ये रॉ चिकन खा रहा है गाइस, अपनी ही. बेटा रुक जा रुक जा, इसकी पंख यार टूटी तो नहीं है पंख? नहीं, खड़े होने की कोशिश कर. दे रहे हैं बेटा, दे रहे हैं दे रहे हैं, रुक जाओ, काट के दे रहे हैं. ये वाला उसका कुछ डिफेक्टेड है, ये देखते रहना. हाँ ये देखिए टूटा हुआ है इसका. हाँ, वो डिफेक्टेड है, वो पैर इसका है ना, वो पैर देख रहे हैं इसका. हाँ, वो डिफेक्टेड है. सो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की टीम जो है वो आने वाली है इसको ले जाने. मुंबई में रॉ करके एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू है, तब तक हम इसको रॉ चिकन खिला रहे. ओ चंगेज ने पॉटी भी कर दी है, वेरी गुड. डाइजेशन काम कर रहा है तुम्हारा बेटा? एज दे से, there is never a dull moment in this house. ये जब उसका बाहर आने लगेगा ये पार्ट, तब मतलब कि उसने काफी खा लिया है और इसको खिलाना बंद करना है. देखते रहना भैया. बिकेश जी भी मदद कर रहे हैं मेरी. बिकेश जी काफी चट चुके हैं इस ये घर से जो जू बन चुका है. वो मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद सीधे वापस अपने गांव निकल लेंगे. क्यों बिकेश? नहीं जा रहा. नहीं जा रहा चंगे. इसका ये देखते रहना बेटा, इसका ये पार्ट हो गया.